तो यूनिक एडवाइस मास्टर मैं साहिन आप सबका स्वागत करता हूँ फिर से एक बार। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ मारुति सुजुकी ओमनी का रिव्यू, जो कि एक मारुति सुजुकी की तरफ से एक बहुत ही मतलब डिमांडेड सक्सेसफुल मिनी वैन्स की कैटेगरी में आता है ये। तो ये बहुत ही एक सक्सेसफुल मारुति सुजुकी की ओर से ये प्रोडक्शन जो मारुति ओमनी के नाम से जाना जाता है। तो ये एक मिनी वैन की सेगमेंट है। तो मारुति सुजुकी ओमनी का जो डिटेल रिव्यू है वो आपके सामने रखने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। ये मारुति सुजुकी की तरफ से फर्स्ट मार्केट में आया था दिसंबर 1983 को। तो ये सुजुकी की तरफ से तब से लेकर एक बहुत ही डिमांडेड सक्सेसफुल प्रोडक्शन रहा है। तो ये मिनी वैन है, इसको मारुति वैन भी बोला जाता है। ये मारुति जो ओमनी होता है, ये तीन मॉडल में आते हैं, MPI-STD, MPI-STD-BS4 और MPI-एम्बुलेंस। तो यहाँ पर ये MPI-STD-BS4 है। तो ये जो मार्केट में 1983 के दिसंबर में आया था, तो ये मारुति वैन बेसिकली देखा जाता है कि कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है और दूसरा एम्बुलेंस की पर्पज़ में यूज़ होता है। इसका जो लेंथ है दोस्तों 3370 mm और इसका व्हील बेस है 1840 mm और इसका विड्थ है 1410 mm और इसको इसमें आपको मिल जाता है 796 cc का BS4 पेट्रोल इंजन, जो कि माइलेज देता है 16 किलोमीटर पर लीटर के आसपास। और इसमें आपको मिल जाता है 0.8 लीटर का पेट्रोल इंजन, जो कि प्रोवाइड करता है 34.2 bhp मैक्स पावर और जो कि आता है 59 nm पिकअप टॉर्क के साथ। और इसका जो इंजन है दोस्तों, इसका इंजन है ठीक मतलब इस मारुति वैन के ठीक पीछे यहाँ पर इसका इंजन होता है। और इसका जो कार्गो वॉल्यूम है वो 210 लीटर का है और इसमें आपको मिल जाता है पीछे यहाँ पर तीन और यहाँ पर तीन, छः और आगे सामने यहाँ पर आपको एक ड्राइवर और एक को ड्राइवर का सीट, मतलब टोटल इसमें 8 सीटर में ये मिल जाता है आपको। तो इसमें खास कुछ नहीं है दोस्तों, ये मतलब इसका फीचर वगैरह की बात करें तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं मिलता आपको। और इसमें आप चाहे तो मतलब LPG सिलेंडर को भी फिट कर सकते हैं बाहर से, तो यहाँ पर जो कि लगता है और उससे भी ये कार चलते हैं। आप चाहे तो इसमें पेट्रोल और LPG दोनों एक साथ इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब पेट्रोल में भी चलेगा और गैस से भी चलेगा। तो ये रहा इसका पीछे का पोर्शन दोस्तों। तो इसका तो यही सारा जो चीज़ है दोस्तों मैं बताना चाहूँगा। और इसका जो गियर है दोस्तों, इसमें नंबर ऑफ़ गियर्स कितना, इतना इसमें आपको 5 गियर मिलता है, 4 गियर मतलब फ्रंट में और एक रिवर्स गियर, टोटल 5 गियर आपको मिल जाता है। ना तो इसमें कोई पावर स्टीयरिंग मिलता है और ना ही कुछ अदर्स वगैरह कुछ मिलता है। इसका इंडिकेटर यहाँ पर दिया है, साइड का इंडिकेटर, और इसमें दोनों तरफ मिरर मिल जाता है और एक अंदर IRVM भी मिल जाता है। और इसका जो खोलने का तरीका है दोस्तों, ये ऐसे खुलते हैं, ये ऐसे खुलते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं चाहे तो। और इसका सामने का पोर्शन ऐसा है और पीछे यहाँ पर एक लाइट मिल जाता है और आगे की तरफ सामने भी वहाँ पर एक यहाँ पर लाइट मिल जाता है। तो इसमें कोई एयर बैग आदर्श वगैरह का मतलब ये नहीं कर सकते आप। तो स्कूल मिलाकर जो भी है, और इसमें दोनों वाइपर सामने दोनों वाइपर मिल जाते हैं, दो वाइपर, यहाँ पर दो हेडलाइट और नीचे इंडिकेटर। और इसमें आपको पीछे में राइट साइड में एक 30 देख सकते हैं आप, 35 लीटर का फ्यूल टैंक आपको मिल जाएगा। और इसका प्राइस 2.72 लाख से 3.5 लाख के बीचों बीच आता है, मतलब 3.5 लाख जो है वो एम्बुलेंस मॉडल का प्राइस है और जो MPI-STD-BS4 है जो कि 8 सीटर है वो 2.73 लाख के आसपास है, और जो MPV-STD है मतलब जो 5 सीटर है, मतलब जो 5 सीटर मॉडल है इसका, वो 2.72 लाख में आता है, मतलब लाख के आसपास। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो अगर मेरे वीडियो को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैं जल्दी मिलता हूँ नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।